ग्राम माकड़खेड़ा के पास यात्री बस अचानक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें 6 को सामान्य और 3 को गंभीर चोटें आई है। गंभीर घायलों को जिला अस्पताल खरगोन में रेफर कर दिया गया है। बुधवार की दोपहर मंडलेश्वर से खरगोन की ओर जा रही अग्रवाल बस अचानक माकड़खेड़ा फाटे के पास सड़क से नीचे उतरकर अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें बस में सवार 6 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कसरावत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद 3 मरीजों को गंभीर हालत में खरगोन जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस ने बताया कि फिलहाल बस को अभिरक्षा में ले लिया गया है। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। कसरावत से अकील खान की रिपोर्ट। सर, ये एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोग उसमें घायल हैं, इनके एक्सीडेंट हो रही है? अभी जो एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ बस के पलटने से हुआ है, जिसमें करीबन 6-7 लोग आए हैं और 3 लोगों को ज्यादा चोटें लगी है, जिसमें से 1 का पाव फ्रैक्चर है, 2 को सिर में चोट लगी है। तो उनको तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद यहाँ से रेफर जिला चिकित्सालय खरगोन के लिए कर दिया गया है। कुल 6 इसमें पेशेंट थे? हाँ, तकरीबन 6 लोग हैं, बाकी और महिलाओं को कम चोट है, तो उनका उपचार यहाँ पर जारी है। और 3 लोगों को ज्यादा चोट लगी है, तो उनको रिफर कर दिया गया जिला चिकित्सालय खरगोन के लिए। क्या नाम है? मैं डॉक्टर चंद्रेश दीक्षित। सर, ये भी माकड़खेड़ा में एक्सीडेंट हुआ है बस से, क्या मामला है, क्या सर? कसरात पुलिस को सूचना मिली थी कि माकड़खेड़ा के पास में एक्सीडेंट हुआ है। एक अग्रवाल बस है जो मंडलेश्वर से खरगोन जाती है। सूचना मिली थी कि वो कहीं रोड से साइड नीचे उतर गई है, पेड़ से टकरा गई है। तो उस संबंध में पुलिस बल मौके पे पहुंचा था और जो घायल थे उनको कसरात अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर जो जो ज़्यादा जिनको चोट लगी थी उनको खरगोन रेफर भी कर दिया है और बाकी का इलाज यहाँ पे चल रहा है। सर, कितने लोग इसमें घायल में? अभी 6 लोगों की वो मिली है हमको सूची जानकारी कि 6 लोग। बसों का मामला भी इस तरीके का, अंधाधुंध चला रहे हैं, मोबाइल से बात करते हैं, तेज रफ्तार में चलाते हैं, इनके लिए कोई कार्रवाई वगैरह, इनके परमिट वगैरह चेक नहीं की? हाँ, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में समय समय पर लगातार चेकिंग भी की जाती है, फिटनेस वगैरह जो भी है चेकिंग की जाती है। बस को जब्त कर लिया है? हाँ, बस को अब पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है, वहाँ से घटना स्थल से उसको लाया जा रहा है। यात्रियों को भी चोट आई है क्या जो बस में? हाँ, जो यात्रियों को भी चोट आई है, जो भी है जांच के दौरान सभी के कथन लिए जा रहे हैं। मैं सब इंस्पेक्टर राजेन आवाज है, थाना कसरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।